हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर राष्ट्र संत महामंडलेश्वर योगी हितेश्वरानाथ वृंदावन मालों की यात्रा जो ओरछा राजा राम दरबार से प्रारंभ होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में भ्रमण करती हुई संस्कारधानी जौलपुर पहुंची, जहां श्री दशमुखी काली कछियाना लालगंज के महंत योगी राजेश महाराज ने मां काली की पूजा अर्चना और महाआरती करवाई और महामंडलेश्वर का स्वागत वंदन प्रसाद वितरित किया गया। महाराज ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र की वर्तमान चुनौतियों का वर्णन करते हुए बताया कि सभी राष्ट्र प्रेमियों को एकजुटता से रहना होगा, बच्चों को धर्म के प्रति शुरू से जानकारी देना होगी, इससे आने वाली पीढ़ी को धर्मांतरण, लव जिहाद और नशा जैसी कुरीतियों से बचाया जा सके। हिंदू समाज आज अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम सब एकत्रित और संगठित रहें, सनातन धर्म की रक्षा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। सर्वे भवन्तु शुकिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा काचित् दुर्भाग् भवेत्। आज जो है पूज्य गुरुदेव श्री जो है राष्ट्रीय संत है श्री श्री 108 महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ महाराज जी के जो राष्ट्र यात्रा निकल रही है, यह राष्ट्र चेतना यात्रा पूरे विश्व में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी के साथ में हमारा सनातन धर्म है साथ में, और पूरा विश्व हिंदू परिषद ये साथ में है, महाराज जी के पैर से पैर लगा के चल रहे हैं। आज जो है इसी के उपलक्ष्य में महाराज जी का इस मंदिर में आगमन हुआ, श्री दशमुखी माता महाकाली मंदिर में। यहाँ हम लोगों ने राष्ट्र कल्याण की भावना से महाआरती किए और महाराज जी का हम सभी लोगों ने आशीर्वाद ग्रहण किया। महाराज जी के साथ में हम सदैव साथ में हैं। बोलिए भारत माता की जय। गुरुदेव आपका नाम? महंत योगी राजेश महाराज। देखो लो, सनातन धर्म के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि लव जिहाद दिया है, सनातन का धर्म को नहीं मान रहा, उसका सर्वनाश होना चाहिए। क्या मानते हैं आप, किस प्रकार से धर्म यात्रा निकाल रही है आप? ये माँ काली को देख रहे हैं जी, माँ काली के हाथ में शस्त्र हैं, किस लिए हैं? हमारे देवी देवताओं ने शस्त्र क्यों उठाए, हमको ये जानना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने शस्त्र उठाए, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। वरना क्या जरूरत थी, माँ भगवती आशीर्वाद दे के अपना रूप बनाती, क्या जरूरत थी राम को धनुष्वार उठाने की, क्या जरूरत थी कृष्ण को सुदर्शन चक्र चलाने की? आवश्यकता पड़ी ना धर्म को बचाने के लिए। आज उन्हीं के, अपने देवी देवताओं के पदचिन्हों पर ही तो हम लोग चल रहे हैं। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अगर हम शांति से बर्दाश्त करते रहें, सहन करते रहें, तो हम इन देवी देवताओं की संतान कहाँ, हम इनकी विचारधारा की कहाँ हुए? फिर तो ठीक है, हमारे देवी देवताओं ने कुछ नहीं किया धर्म के लिए, तो हम भी नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे। लेकिन इन्होंने धर्म बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए हैं, इसलिए इन्होंने शिक्षा दी है हमें, आपके धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे तो आप शस्त्र उठाइए, छोड़िएगा नहीं, लेकिन धर्म को बचाना है। मैन तो ये है, और इसी विचारधारा को लेके आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की मैं यात्रा कर रहा हूँ, और आज जहाँ जिस मंदिर में बैठा हूँ, राजेश योगी जी हमारे योगी राजेश जी हैं, आपने महाकाली की आरती की, आपने यहाँ पे व्यवस्था रखी, हमारे रमेश काका जी ने पूरा विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ इसके लिए जोड़ा, और हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो हमारे यहाँ अतिथि हैं, आप संभागीय अध्यक्ष हैं, आपने भी हमें माँ भारती का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। मैं इन सब की तरफ से यही मांग करूँगा कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने, और ये सिर्फ मेरी ही मांग नहीं है, ये हर व्यक्ति की मांग है, हमारे 145 करोड़ देशवासियों की मांग है। हमारे भारत में धर्म निरपेक्ष देश है, मुसलमानों को रहने की इजाज़त है, रहो, लेकिन हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा नाम है महामंडलेश्वर योगी हितेश्वरनाथ, मैं वृंदावन से हूँ, और मेरा सिर्फ एक ही ध्येय रहता है कि चरैती चरैती चरैती, और अब तक मेरी 5वीं ये यात्रा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की मध्य, और मैंने राजस्थान की संपूर्ण, फिर गुजरात की करी, महाराष्ट्र की करी, और इस समय मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ, और आगे भी चलता रहूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि बेटा घर जब आना, जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, और हमने तुम्हारे लिए भारत माँ भारती के लिए समर्पित कर दिया है। जौलपुर से संभागीय ब्यूरो आशीष बाथरे की रिपोर्ट।